Hey, Chang, अजीब दिन है, हाँ? तो अब तुम अपनी ड्रैगन वॉरियर क्लास नहीं सिखा रहे हो? मेरे पास और कोई चारा है क्या? एक चारा है, झूठ ना बोलना। सच तो कहा? मैंने झूठ नहीं बोला था, कम से कम इसकी शुरुआत झूठ से नहीं हुई थी। मैं एक बहुत बड़े परिवार में पला बड़ा, मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, स्पेशल होना चाहता था, पर ऐसा था नहीं। मेरे सभी भाई बहन बन गए डॉक्टर्स, लॉयर्स, कार्निवल वर्कर्स। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मैं अपनी अलग राह पर निकल पड़ा। मैं बहुत दूर दूर तक गया और एक दिन आ पहुंचा इस गांव में, और तभी मेरी किस्मत ने अपना कमाल दिखाया। गांव वालों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, उन्हें लगा मैं अनोखा हूँ, उन्हें लगा मैं हूँ ड्रैगन वॉरियर। जानता हूँ मुझे उन्हें सच बताना चाहिए था, पर मैंने स्पेशल महसूस किया था आखिरकार, और अब सब खत्म हो गया। चलो, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। देखो मैं समझता हूँ, पर ब्रह्मांड ने मुझे चुना है, इनको नहीं। माफ करना चाहें, तुम मुझे एक नेक बंदे लगते हो, तुम जरूर अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। चलो चले मंकी। हाँ, अपना ख्याल रखना चाहें, हम जाकर उन लुटेरों को भगाते हैं। उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें पैसे देकर यहाँ बुलाता था, वो असल में एक बेरोजगार नाटक मंडली है। क्योंकि उस पेंडा ने चैन का भांडा फोड़ दिया है, हमें पैसे मिलना बंद समझो, हम बेरोजगार हैं। और शिवो, काम तो करना होगा, पापी पेट भरना होगा, और यहाँ तो नाटक करने की भी जगह नहीं है, कम से कम उससे कमा लेते हैं। क्या, मैंने तो सच ही कहा। हाँ। चलो सोचना शुरू करते हैं और ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें बिना काम किए हमें पैसे मिल सकें। कितना अच्छा होता अगर किसी तरह लोग सामने से आकर अपने पैसे हमें दे देते। और कैसे? एक मिनट, लुटेरों का नाटक करने के बजाय हम सच में लुटेरे बन जाते हैं, यही सही होगा। चलो सब तैयार हो जाओ, कल सुबह हम उस गांव को लूटेंगे। इस बार असल में हमें कोई नहीं रोक पाएगा साथियों, कोई भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है चैन ठीक होगा? बिल्कुल, मुझे पता है, सीधे सारे लोग जल्दी माफी भी दे देते हैं। झूठ कहा, पर ये एक नेक बंदा है और इसका कुंफू भी काफी अच्छा है, मेरा मतलब मेरे जितना अच्छा नहीं है, पर इसलिए क्योंकि इसे कभी जेल पैलेस में सीखने का मौका। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि माना चैंग सच में कमाल का ड्रैगन वॉरियर नहीं है, फिर भी तुम इसे माफ तो कर ही सकते हो ना? नहीं, सारे लोग जल्दी माफ नहीं करते। वो सब वापस यहाँ क्यों आ गए? शायद उन्हें पता नहीं कि उनका खेल खत्म हो गया है। डरो नहीं प्यारे गांव वालों, मैं ड्रैगन वॉरियर इन बदमाशों से निपट लूंगा। सुनो बदमाशों, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। ये दोस्तों एक्टिंग अच्छी कर लेते। मैं ड्रैगन वॉरियर तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाने का हुक्म देता हूँ। देखो नाटक खत्म हो गया है, मुझे तुम्हारी पिटाई करने पर मजबूर मत करो, समझे ना? पूरा मत मानना, शो खत्म हुआ, पर्दा गिर गया है, अब तुम सबकी जरूरत नहीं है, क्या कहते हो? सब ठीक हो गया है, ड्रैगन वॉरियर ने इनको। मैं कहता हूँ शो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या? अरे यार, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
मेरे साथ भी। अब ये पूरा गांव हमारा है। प्लीज इन्हें छोड़ दो, ये भोले भाले लोग हैं जो। क्या मैं इसे भी बांध दूं? क्या जरूरत है, ये कोई खास नहीं है। चैंग, मेरी फिक्र मत करो पो, जैसे एक कमल का फूल खिलता है वैसे ही मुझे कुछ नहीं कहना। वाह शाबाश पो, तुम्हारे बेकार के अहम ने एक हीरो को मार दिया, सबको दुखी किया और अब लुटेरों ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। तो परेड नहीं होगी? काम हो गया शिवो, इनके पास जो भी था हमने ले लिया। बहुत अच्छे, और अब क्योंकि हमारे पास बने बनाए दर्शक हैं। पर क्या तुम्हें दिखता नहीं, तुम ही हो जिसे मैं चाहती हूँ। मैं एक बेकर का बेटा हूँ, मैं चाहत को क्या जानू, मैं तो बस आटे और चीनी को ही अपने दिल के करीब मानू। मुझे निकलना होगा। ये पागलपन है, क्या तुम सब उन्हें सच में इतना सब कुछ लूटने दोगे? वो सिर्फ एक्टर्स है, हथियार वाले एक्टर्स। अब देखो तुमने क्या कर दिया। क्रिटिक्स, नया प्लान सुनो साथियों, इस गांव को सिर्फ लूटने की बजाय हम इसे जलाकर खाक कर देंगे। सब जला दो। ठीक है साथियों, सब जला दो। ऐसा मत करो। तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? तुम ड्रैगन वॉरियर नहीं हो? कोई भी एक ड्रैगन वॉरियर बन सकता है अगर वो दिल में ठान ले तो। चलो देखो उन्हें, हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया फिर भी अकेले उन सब का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। चैंग, तुम ही हो यहाँ के असली ड्रैगन वॉरियर, उसे दिखा लो कि तुम क्या हो। तुम सही थे चैंग, कोई भी ड्रैगन वॉरियर बन सकता है अगर दिल में ठान ले तो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। अब मैं गिराऊंगा तुम पर आखिरी पर्दा।